भोजपुरी में एक्ट्रेसेस का आना छाना और फिर गुम हो जाना मानो आम सी बात हो गई है। यहाँ कई ऐसी एक्ट्रेसेस आए जिन्होंने अपने करियर की फर्स्ट इनिंग में ना सिर्फ लोगों पर शानदार गहरी छाप छोड़ी बल्कि भोजपुरी के आज के दौर के बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम करने का गोल्डन चांस तक हासिल किया। मगर ना जाने फिर ये एक्ट्रेसेस गायब हो गई मानो जैसे ओझल हो गई हो। हालांकि इनमें से कुछ हसीनाओं ने करियर को दूसरा मौका देते हुए सेकंड इनिंग की शुरुआत भी कर ली है। पहले स्मृति सिन्हा, रानी चटर्जी और अब हाल ही में शामिल हुआ है पवन खेसारी संग नजर आ चुकी एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी का भी नाम। जानते हैं आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आकांक्षा अवस्थी का नाम या तो कई दिनों बाद सुना है या फिर सुना ही नहीं होगा। बता दें कि आकांक्षा अवस्थी टीवी से लेकर भोजपुरी के लिए जाना माना नाम है। उन्होंने भोजपुरी की कई बड़ी फिल्मों में बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की है। चलिए बात है मुद्दे की बात पर, जो कि ये है कि स्मृति सिन्हा के बाद अब स्क्रीन पर शानदार कमबैक करती दिखेंगे आप इस ब्यूटी को। जी आकांक्षा अवस्थी के फैंस के लिए बेहद तगड़ी खबर है कि वो अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को स्क्रीन पर फिर से उनका मनोरंजन यानी कि एंटरटेन करते हुए उन्हें देख सकेंगे। कब, कहां, कैसे? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल हड़ताल कर रहे हैं तो बता दे। हमारे संजय पांडे जी है, मैं हूँ और नासिर खान जी हैं एज हीरो। बहुत सारे से लखनऊ के बहुत सारे से लोग हैं, मैं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। फिल्म की रिलीज कब तक होगी? नवंबर। कहाँ कहाँ शूट होगा? लखनऊ शूट होगा पूरा। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।